राजधानी सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों गर्मी का प्रकोप जारी है। आसमान से आग बरस रही है, जिसके चलते लोग उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन से परेशान हैं। जिला चिकित्सालय जेपी अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज इस तरह की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज को उपचार के साथ साथ एहतियात बरतने की भी सलाह दी जा रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लू से बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें घर पर ही रहने दिया जाए। वहीं उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन और बुखार से पीड़ित मरीजों को समुचित इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी हमारे यहाँ मोस्टली जो लू लगने वाले कुछ केसेस आ रहे हैं, उल्टी दस्त के केसेस बढ़े हैं, जो कि विशेष रूप से बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इनको। तो इन लोगों को बड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस समय मौसम में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो जैसे घर से धूप के समय पर ना निकलें, अगर निकलना ही पड़े तो छाता लगा के या कैप लगा के या चश्मे लगा के निकलें, और ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और खाली पेट ना निकले, वो बार बार पानी पीते रहें, अगर ORS पाउडर लेते रहें अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और मौसमी फल खाएं जैसे खरबूज, तरबूज है, नारियल पानी है, केरी का पना है, छाछ है, इस तरह के लेते रहें, तो इससे कुछ दिनों में ये बीमारी क्या नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएंगे तो ये सब समस्या